जैसे अभी जनवरी मास में आप सबने लक्ष्य बनाया है तो टाइम निकाल के तपस्या के लिए आ रहे हैं, और हर एक को कितना अच्छा लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी हम साइलेंस में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो कितना अपने आप में न्यारापन आता है। इसलिए मैंने ये बात देखी कि बाबा ने तो जो ज्ञान देना है वो दे दिया, ज्ञान का पूर्ण कोर्स बाबा ने करा दिया है, तभी तो बाबा ने पढ़ाना बंद कर दिया ना। बाबा नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, तो बाबा ने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा कार्य, अब हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि इतना संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें मिला है तो हमारा क्या विचार, क्या लक्ष्य कि मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये खुद पक्का लक्ष्य बनो। जब तक आप खुद लक्ष्य नहीं बनाते, खुद दृढ़ता नहीं करते, जब तक आप खुद ठानेंगे नहीं, तब तक वो जीवन में नहीं। देखो चल तो रहे हैं कोई 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, लेकिन जिन छोटी मोटी कमजोरियों को लेकर हम चल रहे हैं वो अभी भी है, अभी भी है। जो बड़ी बड़ी धारणाएं बाबा के सत्य ज्ञान से हुई वो हमारे में हो गए, ये बाबा के सत्य ज्ञान की कमाल है कि आत्मा ऐसी जाग गई तो जो हमारी पहले पाठ से ही आत्मा का लेसन मिला और हमारी स्मृति बदल गई, तो हमारी देह दृष्टि भी बदल गई और हमारी रूहानी आत्मा दृष्टि बन गई और ब्रह्मचर्य की धारणा हमारे जीवन, ये बाबा के ज्ञान से आत्मा का जागना और सत्य